सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इस चैनल ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हुए हैं और ये सिंपल वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ऐसी एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं और ये देखिए ये कितने पर मंथ कमाते हैं, और ये देखिए ये कितने पर ईयर कमाते हैं, और ये देखिए ये कितने पर डे कमाते हैं, हर दिन कितने पैसे कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप ऐसी AI एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ AI फ्री टूल्स की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 1 पर हम गूगल बार पर आ जाते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन और चैनल नेम जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आकर हम यहाँ लिखेंगे राइट, यहाँ पर हम लिख देंगे गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज चैनल नेम आइडियाज। तो इसे लिखने के बाद हम इसे सेंड कर देंगे। उसके बाद ये देखिए ये जनरेट कर देंगे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज। ये देखिए ये हमें बहुत से चैनल नेम के आइडियाज से देंगे। हमें कोई इंटरेस्टिंग से चूज करना है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो हम इसे डाउनलोड जस्ट कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, चैनल डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल बेस्ड ऑन स्टोरीज वीडियोज हियर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा। ये देखिए हम इसे सेंड करते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ पर आकर व्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करें तो ये आपका रीजनरेट कर देगा। जब आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसे रीजनरेट कर सकते हैं। हम इसे कॉपी करके फिर नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पर हम आ जाते हैं क्रिएट यूट्यूब चैनल लोगो एंड बैनर। तो लोगो एंड बैनर जनरेट करने के लिए हम कैनवा पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लोगो, यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट कर देते हैं और यहाँ पर कोई डार्क बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं द स्टोरी व्यूअर, यहाँ पर चैनल नेम लिख देते हैं सेपरेटली, उसके बाद इसे एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये इफेक्ट्स लगा देते हैं। ये इफेक्ट्स लगाने के बाद इसे हम एडजस्ट कर देंगे सही तरह और इसे फिर बड़ा करके डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पर बड़ा करके सेंटर में लाकर डाउनलोड कर देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसके बाद डाउनलोड कर देंगे इसे। उसके बाद हम फिर से कैनवा पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूट्यूब बैनर। जैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर फिर से ब्लैंक टेम्पलेट कर देंगे और जैसा बैकग्राउंड हमने लोगो का सिलेक्ट किया था वैसे ही इसका भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं द स्टोरी वेवर, इसके बाद इसे ये वाले इफेक्ट्स लगा देते हैं जो हमने लोगो पर लगाए थे। तो इसके बाद इसे छोटा करके यहाँ पर सेंटर पर कर देते हैं और ये सब्सक्राइब बटन ऐड कर देते हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं जनरेट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट विद AI। तो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, लिखते हैं राइट इमोशनल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये लिखकर हम इसे सेंड कर देते हैं। जैसे हम इसे लिखेंगे तो ये यहाँ पर इमोशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख देंगे। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये लिख लें तो उसके बाद अगर आपको फनी वे में लिखनी हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट यूनिक फनी स्टोरी। ये लिख सकते हैं अगर आपको किसी और इमोशनल वे में लिखनी हो, फनी वे में लिखनी हो, वैसे आप अपना कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसे। उसके बाद जैसे हम ये लिख लेंगे, आप देखें मुझे वो फर्स्ट वाली अच्छी लगी तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं इमेजेस। थंबनेल बनाने के लिए आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेने, वो फिर लियोनार्डो पर जाकर वहाँ पर पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द फर्स्ट स्टोरी। तो ये लिखकर इसे सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम ये आपको जनरेट कर देंगे ये प्रॉम्प्ट। मुझे पहला वाला अच्छा नहीं लगा था तो इसे रीजनरेट कर दिया और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट लिख लिए इन्होंने।
ये दूसरे वाली ज़्यादा सही थी, तो इसे कॉपी करके हम नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद स्टोरी को भी कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि स्टेप नंबर 4, जनरेट वॉइस ओवर विथ AI। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं 11 लैब्स पर। यहाँ पर आने के बाद हम पहले ये पैराग्राफ कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करके इसे लाइक जनरेट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे वॉइस कौन सी सी, तो उसके बाद जनरेट कर देंगे। तब तक वो जनरेट हो रहे तो हम दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही जनरेट हो जाए हम यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे और इसे जनरेट कर देंगे लाइक बटन पर क्लिक करके। तो इसे कॉपी कर देते हैं, फिर अगले पैराग्राफ को इसे डाउनलोड करने के बाद अगला पेस्ट कर दें और इसे प्ले के बटन पर क्लिक करके जनरेट कर लें। और ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ हम कॉपी करते हैं जब तक ये जनरेट हो जाए। ये पता नहीं जनरेट नहीं हो रहा कब से, लाइक रुका हुआ है। फिर हम दोबारा इसे ओपन करते हैं, गूगल पर जाके 11 लैब्स पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और इसे चूज करके वॉइस को इसे जनरेट कर लेंगे। फिर हम अगला पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, ये जैसे ही जनरेट हो इसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अगले को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ऐसे ही हम सारी स्क्रिप्ट के लिए कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, जनरेट यूट्यूब वीडियो विद AI। तो यूट्यूब वीडियो जनरेट करने के लिए हम steve.ai पर आ जाते हैं, साइनअप फॉर फ्री करते हैं। साइनअप हमारे यहाँ लोग लाइक अकाउंट बना हुआ है, हम इसे लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेते हैं, आपको साइनअप कर लेना है। और फिर अगर आपको लाइक और भी जैसे इसके 3 क्रेडिट्स मिलते हैं, आप अगर और भी वीडियोस बनाना चाहें आप टेम्प मेल पर जाकर डिफरेंट ईमेल से साइनअप कर सकते हैं और भी वीडियोस लाइक बनाने के लिए। हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट को, उसके बाद इसे हटा देते हैं। ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये कह रहे हैं कि लास्ट वाला ज़्यादा लाइक ज़्यादा वर्ड करें तो उसे हटा देंगे तो वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट वाला ही हटा देते हैं ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये हो गया, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है स्टोरीज। और यहाँ पर आपको लाइक वॉइस ओवर अगर आपको चाहिए तो आप जनरेट कर लें, मुझे नहीं चाहिए बिकॉज हमने ऑलरेडी जनरेट की हुई है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइक कोई भी टेम्पलेट जो भी अच्छी लगती है वो सिलेक्ट कर लें, मुझे ये ज़्यादा सही लगी तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी सही है पर वो लाइक वो वाली ज़्यादा अच्छी थी तो वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसे जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही जनरेट कर लें हम यहाँ पर आएंगे और ये देखें ये बस ये जनरेट कर रहे हैं, ऐसे जनरेट किया इन्होंने। ये देखें कितना लाइक अच्छे तरीके से इन्होंने एनिमेट किए हुए हैं हर करेक्टर को। उसके बाद हम पब्लिश पर क्लिक करके पब्लिश कर लेते हैं और इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें अब हमने इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर साइट पर डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसे डाउनलोड कर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा। ये देखिए जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा, ये लाइन पूरी हो गई तो ये डाउनलोड हो जाएगी वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, स्टेप नंबर 6, एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू। तब हम एडिट कर लेते हैं ये वीडियोस को, एडिट करेंगे जो जो फालतू पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे, जहाँ पर वॉइस ओवर नहीं है पहले वॉइस ओवर को एडिट करते हैं। वॉइस ओवर को हमें एडिट कर लेना है, जो जो फालतू पार्ट है वो लाइक जहाँ पर वॉइस ओवर नहीं है वो डिलीट कर देना है। उसके बाद इन्हें लाइक एडजस्ट कर देना है, ये जो बाकी वॉइस हैं इन्हें एडजस्ट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट वॉइस ओवर, इसे लाइक वीडियो को वॉइस ओवर के लाइक अकॉर्डिंग ही हमें एडिट कर लेना है। ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट वॉइस ओवर ऐड करके इसे एडजस्ट कर देंगे, ये इतना ही सही है आई थिंक। उसके बाद इसे कट कर देंगे, इसे एडजस्ट करने के बाद कट करके यहाँ पर एनिमेशन लगा देंगे। एनिमेशन लगा कर इसे एक्सपोर्ट करेंगे हम, पहले हम यहाँ पर और लाइक दूसरे का दूसरी ये जो है इसे भी एडिट कर देते हैं। दूसरी वॉइस जो हमने जनरेट की थी वो पेस्ट की है यहाँ पर, उसे पहले एडिट करके फिर इसे लाइक एडजस्ट करते हैं वॉइस के अकॉर्डिंग। हम इसे वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे।
वीडियो को की वॉइस कहाँ तक है तो उसके अकॉर्डिंग एडिट करते हैं इसे। उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन लगाकर इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखिए, इसे एनिमेशन लगाकर एक्सपोर्ट कर देंगे। ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे बस अभी। Once upon a time, in a quiet, picturesque village, nestled between rolling hills and a shimmering river, lived a man named Samuel. He was an enigmatic figure, known for his reclusive nature and his unique passion for music. Samuel was a gifted musician who had the ability to convey his deepest emotions through the melodies he played on his violin. Samuel's life had been marked by solitude ever since he lost his wife, Eleanor, to a tragic illness. आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।